गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय सिया राम। और दोस्तों, रात को मैं यहाँ पहुँच गया था सेट पर, सेट पर पृथ्वीराज सिंह के वहाँ पे। और ये जो पृथ्वीराज जो है मनोज सिंह के फ्रेंड है, उसको उसने बता दिया था मैं आने वाला हूँ। और अभी जबकि हम हो गए रेडी नाश्ता वास्ता करके, यहाँ पे एक शक्ति माँ का मंदिर है जो मैं रात को बता रहा था, तो वहाँ पे दर्शन करके मैं फिर यहाँ से निकलूँगा सुरेंद्रनगर। सुरेंद्रनगर पड़ता है यहाँ से 8 किलोमीटर। और सुरेंद्रनगर कुछ मेरे रिलेटिव है जो स्वागत करना चाहते हैं, तो कार्यक्रम निपटा के फिर आगे की ओर एक आश्रम है वहाँ पे रुकने वाला हूँ। यानी कि आज का पड़ेगा 20 किलोमीटर। आज मैं चलूँगा सिर्फ 20 किलोमीटर ही मैं चलूँगा। और भाई, सुबह का नाश्ता इतना बनकर रेडी हुआ है कि ये सुबह का नाश्ता नहीं, ये खाना ही है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है। ये एक तो पहला अपना देसी पराठे, थेपले, तिखारी, दही तिखारी, केले, पपीता, और ये क्या है, बीट, बीट, द्राक्ष, एप्पल, एप्पल, ये चटनी। और अभी चाय बनकर रेडी हो रही है। और रात का खाना जो था वो सब्जी जो बनाई थी, ये नाम क्या है, सिद्धराज सिंह ने बनाई थी। स्पेशल सिद्धराज सिंह ने ही बनाई थी सब्जी खा के। मैं यार, ये हमारे वहाँ पे वो ये कौन सी दाल, ये लाठी की दाल, ये सब्जी जो रात को इन्होंने बना के रेडी की थी, यहाँ के हमारे वहाँ साइड के बाजरे की रोटी छोटी बनती है, यहाँ पे बड़ी बनती है। मैं डेढ़ बाजरे की रोटी खा गया। और रात का खाना जो था वो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि सब घर के मेंबर सब थे, तो अच्छा नहीं लगता कुछ। थोड़ा क्या है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइवेसी भी थोड़ी होती है, तो रात को मैंने कुछ दिखाया नहीं था। और अभी ये भाई साहब ने आधा छुट्टी मार दी इन्होंने, आज ये ड्यूटी नहीं की, ये फायर ब्रिगेड में है, ये फायर ब्रिगेड में जॉब करते हैं, लेकिन आज इन्हें छुट्टी मार दी। तो अभी नाश्ता करके आगे का मैं आपको जो भी यहाँ का एक मंदिर है शक्ति माँ का, वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाना है, तो दर्शन करके फिर मैं यहाँ से निकल। Thank you.
और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी मंदिर में आप ये जो बेल है घंटा, ना तो साइड पे रह गए, ना आगे जाके, ना बगल या दाएं या बाएं, इसके नीचे खड़े रह के बेल मारने से इसकी वाइब्रेशन जो है वो सीधी हमारे शरीर के अंदर उतर के जो भी कीटाणु है वो मिटा देती है। जब कोरोना वायरस निकला था तो मोदी जी ने बोला था कि आप घर पे जाओ, कोई भी धातु की बजाने से उसकी वाइब्रेशन जो निकलती है उससे कीटाणु जो है वो मर जाते हैं, मतलब कि नष्ट हो जाते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जिसकी ये इसके नीचे खड़े रहेंगे बजाने से जो इसकी वाइब्रेशन निकलती है वो फील नहीं होगी, लेकिन जो भी शरीर के कीटाणु है उसको मार देगी। एक बात, किसी देवी या देवता के मंदिर में जाओ तो उस जगह का प्रभाव जो है वो दिखने लगता है, एक अलग सी वाइब्रेशन, एक अलग सी फीलिंग जो है। पैर रखने के बाद जो भी है मेरे गूज़बम्प खड़े हो गए जगह पे आके, एक पता नहीं शक्ति, वैसे भी ये मंदिर ही शक्ति माँ का है तो कोई ऐसा शक्ति जो है जगह पे होगी तो वो आपको फील होगी। कई लोगों को ऐसा फील हुआ होगा कि किसी मंदिर में गए और आंखों में आंसू आ गए या फिर गूज़बम्प खड़े हो गए, ऐसी वाइब्रेशन उनको फील होगी। वहाँ का जो भी आसपास के एरिया का जो भी प्रभाव है उस पर पड़ेगा। दोस्तों अभी मैं ये शेक पर जो कि आप जानते हैं, और यहाँ से अभी मैं निकल के सुरेंद्रनगर जा रहा हूँ तो सबको मिल लिया और अभी एक मिलना बाकी है। तो अभी दोस्तों बापू को भी मिलना है, बने सिंह और वागजी बा और वागजी बापू को भी मिलना है जो कि अभी ये उनका खेत है, तो वहाँ पे मिलके मैं यहाँ से इन लोगों को अलविदा कह के आगे की मैं स्टार्ट करता हूँ। ना है ये मंदिर, सबसे पहले यहाँ था जो माता का एक छोटा मठ था, लेकिन फिर गांव वालों ने और समाज के लोगों ने मिलके ये मंदिर खड़ा किया और इस मंदिर को हुए कम से कम 20 या 15 से 20 या तो फिर 25 साल, एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं लेकिन इतना ही हुआ होगा। તો અત્યારે આ બને સિંહ બાપુ વાઘજી ભા જે પ્લાન છે ત્યાં પહોંચી ગયો, જેમ કે આપણે પૃથ્વીરાજ સિંહ અહીંયા સંભાળે છે, બસ હવે અહીંયાથી મુલાકાત લઈને હવે આગળની યાત્રા સ્ટાર્ટ કરીશ ને બને સિંહ બાપુ વાઘજી ભા અને પૃથ્વીરાજ સિદ્ધરાજ સિંહ આમના સબ પુત્ર છે અને વાઘજીભા બનેસિંહ બાબુના પુત્ર છે અને આ બધા એમના મિત્ર છે। આપનું નામ? જયપાલસિંહ વનરાજસિંહ। વનરાજસિંહ ભાઈ અહીંયાથી તો બાપુને એમને મળી અને આગળની યાત્રા મારી ચાલુ છે, અહીંયાથી રજા લો બાપુની ને એમની, અને ઘરે પણ આવું જમવાનું ન મળે, શબ્દમાં તો કોઈ જાતનું વર્ણન કર્યો કે એમ છું જ નહીં, ચાલતો હોય બીજા લોકો અને રાતે બાપુને પાસેથી ઘણું બધું જાણવા માંડ્યું, જે વસ્તુ હું આગળ બોલ્યો છું પણ પછી મને ખબર પડી કે ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે કોઈને કહેવાનું નહીં, જે હું નથી કહી શકું એમ, અને રાત્રે હું વાતમાં એમની એટલું લખ્યા કે શૂટ જ અમે ના કર્યું, એક ડિસ્ટર્બ થાત વાતચીત કરવામાં અમને ડિસ્ટર્બ થાત એટલે મેં રાત્રે કંઈ શૂટ ના કર્યું, પણ બહુ ઘણું બધું જાણવા મળ્યું। મનોજસિંહે જે કીધું હતું એણે ઓછા વખાણ કર્યા,
મનુષ્ય જે કઈ પણ વખાણ કર્યા ઓછા કર્યા એનાથી વધારે અહીંયા જોવા મળ્યું. ચાલો ભાઈ और भाइयों, वहाँ से निकल के अगली यात्रा मैंने शुरू कर दी है और ये सिद्धराज सिंह जो कि मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मना बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे. तो अभी लगा लेते हैं महादेव का जयकारा. ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर. और ये बोल रहे हैं कि मैं सुरेंद्र नगर तक ऐसे ही चलूँगा. भाई आप सीधा कहीं होटल पे जाके ऐसे मैं आपके साथ चलता हूँ. धीरे धीरे चलने में क्या ये थोड़ा कोई बात नहीं, दो घंटे की बात है ना. मैं हूँ अभी ये त्रिमंदिर जो कि सुरेंद्र नगर से 2 किलोमीटर पहले और शेखपर से और सुरेंद्र नगर के बीच में है. जगह अच्छी थी, यहाँ रुकने का भी आश्रम है, कैंटीन है, नाश्ता पानी और अगर भोजन करना हो तो भोजन के भी सुविधा है. जगह अच्छी है. ऐसे ही मैं कोई अगर बीच में तीर्थ स्थल आते जाएंगे मैं उसका शूट करता रहूँगा और आप लोगों को बताता रहूँगा कि अगर आप इस रास्ते पे निकलो तो रुकने के लिए भी सही है और खाने के लिए भी सही है. और तीर्थधाम ऐसे है कि आपको एनर्जी अंदर से फील होगी कि आपको बस यहाँ से हटने का मन नहीं होगा. अभी ये मंदिर पे थोड़ी देर में बैठूँगा और फिर आगे की यात्रा में स्टार्ट करूँगा. और ये ब्लॉग जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि एक पार्ट जो है वो अभी सुबह जो अभी आप देख रहे हो और पार्ट 2 जो भी रात को 6:15 पे आएगा. क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैंने 2 पार्ट बना लिए है. अभी एक जो आप ये देख रहे हो और दूसरा पार्ट शाम को आएगा. तो ऑलमोस्ट सुरेंद्र नगर में पहुंच गया और अभी जो हमारे समाज के जो मेंबर हैं वो सब एक जगह पर इकट्ठा होंगे और वहाँ पे कुछ स्वागत का कार्यक्रम उन लोगों ने रखा है तो वो निपटा के मैं आगे की यात्रा करूँगा. और अभी टाइम हुआ है 3 बज गए और अभी सुरेंद्र नगर क्रॉस कर रहा हूँ मैं. कौन सा एरिया है आगे? रिवर फ्रंट. अभी रिवर फ्रंट पे पहुँचा हूँ मैं. टाकी चौक टावर वहीं पे सब लोग इकट्ठा होंगे. खिजड़िया हनुमान सुरेंद्र नगर. वाह
હા મુજો જો અનિકા અનિકા હા મુજો જોલા